यदि आप जबलपुर से रायपुर या मंडला से रायपुर सफ़र करने का सोच रहे हैं तो रुकिए, आपको यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मंडला से लगभग 80 से 90 किलोमीटर के बीच एक पुल में काफ़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि यह पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। इस पुल में गड्ढे आ गए हैं और पुल काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया है। आपको बता दें कि इस पुल के अलावा कोई दूसरा पुल यहाँ पर नहीं है, जिससे आप काफ़ी घंटों तक यहाँ पर परेशान नज़र आ सकते हैं। यदि आपको अर्जेंट रायपुर जाना है तो आप जबलपुर से सीधे बरेला होते हुए डिंडोरी मार्ग से कवर्धा जाएं, उसके बाद रायपुर जाएं। यहीं यदि आप मंडला से जा रहे हैं तो आपको निवास होते हुए डिंडोरी या फिर सीधे डायरेक्ट डिंडोरी से कवर्धा होते हुए रायपुर जाना उचित मार्ग होगा, क्योंकि यदि आप बिछिया होते हुए चिल्पी मार्ग से यदि रायपुर जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए यह रास्ता काफ़ी ख़तरनाक और मुसीबत भरा हो सकता है। इसलिए आप जाने से पहले निर्णय लें कि आपको कहाँ से जाना है, या आप जबलपुर से ट्रेन मार्ग भी अपना सकते हैं। उधर से खींच बेटा, रोड वाले उधर। हाँ ना सर। उधर से जाके देखो, उधर बहुत बुरा था। यहाँ से पूरा सारा ख़त्म हो चुका, पूरा ये वाला भी पूरा वो ख़त्म हो गया है। यहाँ से पानी आ रहा है, एक भी गाड़ी गई तो ये गिर जाएगा, पूरा जाने लायक है ही नहीं। यहाँ से पूरा सारा ख़त्म हो चुका, पूरा ये वाला भी पूरा वो ख़त्म हो गया है। यहाँ से पानी आ रहा है, एक भी गाड़ी गई तो ये गिर जाएगा, पूरा जाने लायक है ही नहीं।